खबर उत्तर प्रदेश हाथरस से। हाथरस में शुक्रवार शाम मैक्स वन और जनरल बस की टक्कर हो गई। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, इनमें 15 एक ही परिवार के हैं, 16 लोग घायल हैं। मरने वालों में 6 बच्चे, 4 महिला और 7 पुरुष शामिल हैं। मैक्स सवार 37 लोग हाथरस के गांव मुकुंदखेड़ा निवासी राजुद्दीन की दादी के 40वें में शामिल होने के बाद समेरा आगरा लौट रहे थे। मिताई गांव के पास आगरा से अलीगढ़ जा रही बस सामने से मैक्स में आकर भिड़ गई। टक्कर के बाद मैक्स पलटी खाते हुए सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। लोग उछलकर 20 फीट दूर जा गिरे, खेतों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हादसे बस सवार लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई। मरने वालों में 16 लोग आगरा के सेमरा गाँव के रहने वाले, एक फिरोजाबाद का रहने वाला। देर रात तक शवों का पोस्टमार्टम चला। एसपी हाथरस निपुण अग्रवाल ने बताया, कल शाम 6:15 एक रोडवेज बस और एक टाटा मैजिक में टक्कर हो गई। कुल 17 लोगों की मौत हुई है, 16 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। मामला दर्ज करके रोडवेज चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे निधन हुआ, इसमें 2 भाई मेरे और 1 बेटा। कितने लोग घायल अभी? अभी कुछ कह नहीं सकता, मेरे घर से ही 13 लोग, 13 में से एक मेरे अब्बू आ चुके हैं। देखिए, कल शाम 6:15 एक रोडवेज की बस और एक टाटा मैजिक में टक्कर हो गई थी, जिसमें कि तत्काल ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया एवं जितने भी मृतक थे उनका पोस्टमार्टम हेतु हमने उनकी डेड बॉडीज रवाना करी। उसके बाद ही उनके गांव में उनके अंतिम संस्कार हेतु उनकी डेड बॉडीज को शवों को भेज दिया गया। साथ ही साथ जो इतने भी घायल थे उनको उपचार हेतु भेज दिया गया। इसमें जो टोटल काउंट है, इसमें 17 लोग की डेथ हुई है और बाकी 16 लोग इंजर्ड थे जिनका सभी का उपचार चल रहा है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके जो रोडवेज का ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। मृतकों में कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, कुछ जानकारी? देखिए, मृतक में 7 पुरुष थे और 4 महिलाएं और बाकी 6 बच्चे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।